हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लाइवली बर्ड्स। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने देखा था सौरभ का रियल लाइफ स्टोरी, जिसमें उसने कैसे 20 केजीज ऑफ मस्कुलर वेट गेन किया था। एंड इस वीडियो पे हम जानेंगे कि किस तरह के वर्कआउट्स हमको करने चाहिए और किस तरह के डाइट लेने चाहिए, जिससे हम फास्ट एंड इफेक्टिव वेट गेन कर सके। तो इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स जो कि हमारे बड़े मसल ग्रुप को टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि बड़े मसल ग्रुप हमारे बॉडी वेट को डिफाइन करते हैं, तो अगर हम उसको वॉल्यूमनाइज कर सके तो हमारा वेट गेन इजी होगा एंड वो दिखेगा भी। एंड उसके बाद हम शेयर करेंगे एक दिन का डाइट प्लान, जिसमें आपको टोटल कितना कैलोरी लेना चाहिए और प्रोटीन लेना चाहिए वो मेंशन किया है, जिससे आपको हेल्प, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का मुझे डाइट लेना चाहिए एवरी डे, एंड वो आपको वेट गेन करने में हेल्प करेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है और क्वेरी है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरा कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज से, जिसमें हम पहला करेंगे शोल्डर प्रेस। लड़कियां एक डंबल व दो वाटर बॉटल यूज कर सकती है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। इसमें भी आपको 8 to 12 रिपीटेशंस करना है। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारा ट्राइसेप डिप्स। आपके स्ट्रेंथ के अनुसार आप आइदर मैट में, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप कर सकते हो, अदरवाइज आप चेयर में कर सकते हो, जिसमें आपका ट्राइसेप्स अच्छा वॉल्यूमनाइज होगा। थर्ड एक्सरसाइज है हमारा पुशअप्स। इसमें आप नी पुशअप्स कर सकते हो, अदरवाइज आप फुल पुशअप्स कर सकते हो। मिनिमम आप 10 से लेकर 15 रिपीटेशंस तक कर सकते हो। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारा वेटेड स्क्वाट्स। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, आप अपने कैपेसिटी के अनुसार वेट चूज कर सकते हो एंड मिनिमम 10 और 15 रिपीटेशंस तक आप कर सकते हो इसको। फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारा डेडलिफ्ट्स। इसमें हम डंबल्स यूज करेंगे क्योंकि हम घर पे कर रहे हैं, और इसमें कोशिश कीजिएगा अपने बॉडी का पोस्चर को मेंटेन करने का। एटलीस्ट 8 to 12 रिपीटेशंस कीजिए और वेट आप अपने कैपेसिटी के अनुसार चूज कर सकते हो। सिक्स्थ एक्सरसाइज है हमारा चेस्ट प्रेस। इसको हम मैट पे लेट के करेंगे। लड़कियाँ सेम थिंग, आप एक डंबल व दो वाटर बॉटल यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, और अपने कैपेसिटी के अनुसार जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा वैसे वैसे आप वेट्स भी इंक्रीज कर सकते हो धीरे धीरे। सेवेंथ एक्सरसाइज है हमारा बाइसेप्स कर्ल। इसमें भी सेम फंडा यूज करना है लड़की लोगों को, एक डंबल आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज दो वाटर बॉटल यूज कर सकते हो आप बाइसेप्स कर्ल के लिए। लास्ट वर्कआउट है हमारा सीटेड रोज। इसको आपको बैठ के करना है और इसमें आपको रेजिस्टेंस बैंड चाहिए। अपने पैर में रेजिस्टेंस बैंड को लॉक कर लीजिए एंड अपनी तरफ पुल कीजिए, और अपने हाथ को एकदम बॉडी से सटा के रखिएगा, अपने पोस्चर को मेंटेन कीजिएगा। इसको एटलीस्ट 10 to 15 रिपीटेशंस तक कीजिए। दोस्तों, कुछ एडिशनल टिप्स जिससे आपका वेट गेन और फास्टर होगा। पहला है, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, तो धीरे धीरे आपको अपना लिफ्टिंग वेट भी बढ़ाते जाना है डे बाय डे। दूसरा है, कार्डियो और एरोबिक्स आपके लिए किलर है, उसको आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप 5 to 10 मिनट्स का वार्म अप कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा है, आप अपने सेट्स के बीच में स्मॉलर टाइम गैप ले सकते हो, और अदरवाइज आप स्ट्रेचिंग इंक्लूड कर सकते हो। फोर्थ है, आप 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स वर्कआउट से लेके 1 hour वर्कआउट कीजिए वीकली 4 days, और बीच में रेस्ट लीजिए, क्योंकि रेस्ट लेना ज़रूरी है, जिससे आपका मसल ग्रो होने में हेल्प होगा। दोस्तों, सेकंड पार्ट में हम दिखाने वाले हैं डाइट प्लान। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, गोल्डन रूल, कि आपको 4 बार दिन में खाना है। तो इसलिए हमने इधर ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर दिखाया है, जिसमें डिफरेंट हमने आइटम्स इधर ऐड किया है, उसके हम कितने कैलोरीज और प्रोटीन उसमें आ रहा है वो शो किया है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ याद रखना है कि ना, सब लोगों के रिक्वायरमेंट अलग होते हैं, उनके हाइट, वेट एंड बॉडी कंपोजिशन डिफरेंट होते हैं, तो उनका रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होता है। तो इधर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, मेल 55 kg एंड फीमेल 45 kg का, एंड उसके हिसाब से एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन किया है। एंड इधर एक प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल एक्टिविटी, प्लस अगर आप दिन में 1 घंटा वर्कआउट करते हो तो आपका 1.7 ग्राम पर किलोग्राम आपका
प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है। तो इधर एक 55 केजी के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है, तो 94 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए, और अगर आप 45 इधर ऐड करते हो तो 77, इट डिपेंड्स, इट्स अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। तो चलिए देख लेते हैं कि ना ब्रेकफास्ट में हमने क्या क्या ऐड किया। तो आप इधर पोहा ले सकते हो, पोहा में आपको 5.7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है एंड 270 कैलोरीज मिल रहा है। एग्स ले सकते हो, दो एग्स ले सकते हो। लड़कियां इसको स्किप कर सकती है क्योंकि हम इधर और भी एड ऑन कर रहे हैं, बनाना चिया मिल्क स्मूदी एंड डेट्स और अदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होता है लड़कों से, तो इधर वो इसको एग्स को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लंच पे चलते हैं। लंच में हमने लिया है आलू मटर पनीर। पनीर बहुत ही गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो उधर आपको 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको एक सर्विंग से मिल जा रहा है, 220 कैलोरीज आपको मिल रहा है। उसमें आप कुछ भी सब्जी व दाल ले सकते हो, उसमें आपको प्रोटीन इतना मिल रहा है, एंड राइस ले सकते हो, तो अप्रॉक्सीमेट इतना प्रोटीन आपको मिल रहा है। तो टोटल आपको लंच में प्रोटीन मिल जा रहा है 27 ग्राम्स। देन आपको कैलोरीज मिल रहा है 553। दोस्तों इवनिंग स्नैक्स के लिए हमने ऑप्शंस लिया है मिल्क, बॉयल्ड एग एंड पीनट बटर सैंडविच। लड़कियां मिल्क और बॉयल्ड एग में से कोई भी चूज कर सकती हैं, एंड पीनट बटर सैंडविच प्लीज़ मत स्किप करना, एक बहुत ही गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी है। आप देख सकते हो 9.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, 248 कैलोरीज मिल रहा है, तो इसको ज़रूर से अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। एंड पूरा जो आपको इवनिंग स्नैक्स में जो प्रोटीन मिल रहा है 23 ग्राम्स एंड 475 कैलोरीज ये अप्रॉक्सीमेट है। डिनर में भी हमने सेम राइस, मसूर दाल इधर डाल रहे हैं क्योंकि मसूर दाल बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। एंड इसमें आपको मटर पनीर हम ले रहे हैं लंच से ही, तो सेम रहेगा, और इधर आपको भी प्रोटीन ऑलमोस्ट 27 ग्राम्स एंड कैलोरीज 553 आपको मिल रहा है। तो आप ओवरऑल देख सकते हो कि ना हमने कंसंट्रेट किया है प्रोटीन एंड कैलोरीज में, जिससे आपको जो टोटल प्रोटीन इंटेक इस पर्टिकुलर डाइट से आपको मिल रहा है 108 ग्राम्स एंड कैलोरीज आपका 2410 मिल रहा है। दोस्तों ये जो डाइट प्लान है इसमें जो आपको प्रोटीन इंटेक मिल रहा है वो आपके रिक्वायर्ड प्रोटीन से ज़्यादा मिल रहा है, एंड आपको कैलोरीज भी सफिशिएंटली ज़्यादा मिल रहा है। तो वो जो एक्सेस कैलोरीज जो आपको मिल रहा है वो आपको हेल्प करेगा वेट गेन करने में। तो दोस्तों अगर आपको इसमें से कुछ भी जानना है, अगर आपको कुछ भी डाउट है मील रिगार्डेड या क्या मील ले सकते हैं आप, तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम पूरा कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने का, एंड होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करे और आपको एक आइडिया दे कि आप एक दिन भर में क्या ले सकते हो जिससे आपका वेट गेन अच्छे से हो और ईजिली और फास्ट हो। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।